एपिसोड ऑफ बेंगलुरु। तो आपको पता है कि मैं बेंगलुरु में हूँ, मेरा लास्ट एपिसोड लाल बाग का था, लेकिन उसी शाम को मैं अभी यहाँ आई हूँ एक कम्युनिटी जैम देखने, जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं और वो आपस में गाते हैं, पता नहीं क्या क्या गाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे भी गाने का वहाँ मौका मिल सकता है अगर मैं गाना चाहूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है गाने में। तो बात ये है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। तो मैंने लाल बाग से पहले ली मेट्रो मैजेस्टिक तक की, 56 रुपीज़ फॉर टू पर्सन्स आज मैंने स्पेंड किए फॉर मेट्रो। और क्या बोलते हैं इसको, हमें लाल बाग से पहले मैजेस्टिक आना पड़ता है, डायरेक्ट से टिकट हो जाती है वहीं से। और लाल बाग से मैजेस्टिक है 4.6 किलोमीटर, एंड आफ्टर दैट मैजेस्टिक आके हमें लेनी होती है मेट्रो ऑफ एमजी रोड। तो हम अभी एमजी रोड में पहुंच गए, अब हम कुछ खाएंगे यहाँ पे। मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, मुझे शूट करना है, तो मेरा पावर बैंक भी ख़राब हो रखा है। तो कुछ रुकते हैं और फ़ोन चार्ज करते हैं, फिर निकलते हैं अपनी अगली जगह पे। आपको दिखाते हैं आज अच्छा सा फेस्टिवल। तो ये है रंगोली मेट्रो आर्ट सेंटर, जहाँ पे हम अभी विज़िट करने वाले हैं। वहाँ पे बहुत तरह के आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, गाना गाते हैं और अपनी अपनी सब चीज़ की खूबियाँ दिखाते हैं। मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, वो मुझे जाके पता चलेगा अभी, तो मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी इसके लिए। हम आगे देखते हैं कि होता क्या है। मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी किस चीज़ से बना हुआ है, मुझे बताओगे किस चीज़ से बना होगा कमेंट करके। Thank you.
टाइम हो गया है बेंगलुरु छोड़ने का और अब हम जा रहे हैं हम भी। मैंने डिसाइड किया कि कर्नाटका इससे ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर करूँगी, बहुत है। बेंगलुरु और मैसूर में मैंने 15 व्लॉग्स बना दिए, तो अब टाइम है जाने का हम्पी, और हम्पी में हम जाके एक्सप्लोर करेंगे विलेज लाइफ। लास्ट डे और मेरी बस है 10:15 यहाँ से सुगबा ट्रैवल से, जो कि है हम्पी की तरफ। तो मैं जा रही हूँ कर्नाटका में। हम्पी बहुत अच्छी प्लेस है मैंने सुना, तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैंने सोचा कि मैं हम्पी की तरफ निकलती हूँ। और बेंगलुरु के मैंने 3-4 व्लॉग्स बना लिए अच्छे वाले, जो मुझे चाहिए थी चीज़ें वो मैंने कर लिए। मुझे आप लोगों के टेस्ट के बारे में नहीं पता, पर अच्छा है। तो अभी मेरे को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि लोकल मार्केट से करेंगे, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मेरे को दो चीज़ें पसंद तो आई थी, लेकिन वो मेरे साइज़ की नहीं थी लोग, तो अब हम ढूंढ रहे हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे, अभी बजे सिर्फ 8:15, और उसके बाद फिर हमारा टाइम अभी कंज्यूम तो करना है, तो इसलिए इधर से जाएंगे। आई वांट वन येलो कलर्ड टी शर्ट, आई एम कमिंग टू यू। तो यार मैंने दो शर्ट्स खरीदे, जो है 200 की, वन है 175 की, और आई वांट वन मोर इन येलो कलर। एक्चुअली येलो एंड रेड कलर सूट्स मी अ लॉट, आई लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दैट कलर, बट अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है। फाइंड करते हैं जल्दी, मिल तो रहे लेकिन जो चीज़ मुझे प्रिंट में चाहिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं लग रही। I got yellow one also. There is a one tiger print.
It's not girlish actually. I don't buy a girlish print. So I don't know why I'm like that. But I like me. Anna, थोड़ा सा तो bargain करो यार. Bargaining नहीं, fixed rate है. फिक्स रेट यार, मैंने चार टी शर्ट खरीदा है. चार ने पूरा दुकान ही लेके जाओ तो भी नहीं बार्गेनिंग करोगे. कहाँ लिखा है फिक्स रेट? यहाँ पे लिखा है. आपने क्यों लिखा है? फिर इसको हटा दो और मेरे से बार्गेनिंग करो. कस्टमर इज किंग, किंग नेवर बार्गेन. ओ आई एम नॉट किंग, आई एम फीमेल, आई एम क्वीन. छोटा सा क्वीन यार, ये बड़ी गलत बात है. आपने किंग लिखा है, जब क्वीन डालोगे तब देखा जाएगा. आपको मेरे से थोड़ा सा बार्गेन करना चाहिए. कितनी? 850. और ये कितने का है टोटल? 200 का थ्री पीस है. 600 प्लस 170. वाह वाह, शाबाश. 15 रुपए डिस्काउंट. 25 डिस्काउंट दिया है मैडम. किसी को भी डिस्काउंट नहीं देता है. सच में आपके लिए दिया है यार. आप इतनी दूर से सफर करके आए, आप मेहमान हो कर्नाटक के. थैंक यू सर. तो अन्ना ने मुझे पूरे यहाँ पे फिक्स रेट लिखा होता, फिर भी अन्ना ने मुझे पूरे 25 रुपए का डिस्काउंट दिया. बहुत बड़ी बात है. तो मैंने चार टी शर्ट खरीदी हैं ओनली इन 750. आई एम गुड. ये रहा बिल भी, आप देख सकते हो. ये रहा अपना शॉपिंग. थैंक यू अन्ना. तो चलो कुछ चलते अब खाने, और भूख लगी है. तो ये है यहाँ की मशहूर डोना बिरयानी. डोना बिरयानी इसको हिंदी में डोना बोलते हैं. क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता. इसका पत्तों से बनता है, तैयार होता है, यहाँ की स्पेशल है. तो मैंने सोचा जाते जाते और तो क्या ही करते हैं, तो यही ट्राई कर लेते हैं. फिर टाइम में ये ट्राई करने का, ये मिला है मुझे 120 रुपये में. और काफ़ी अच्छी प्लेटिंग है. ये बिरयानी है, ये दही रायता है. आई थिंक इट्स चिकन करी, इट्स सैलड. तो फाइनली मेरी बस भी आ गई. और इसकी प्राइस है, स्लीपर है, और इसका मेरा प्राइस है 750 रुपीज़. इसी के लिए मैंने 750 रुपीज़ पे किए. और मैं सो के जाऊँगी, कल शाम तक मैं पहुँचूँगी. चलो चलते हैं.